अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सौम्या के मामले में 16 दिन बाद भी पार्टी मौन, टर्मिनेशन के बाद से अब तक कोई रिएक्शन नहीं, ऑफिशियल कॉपी का इंतजार। जोधपुर में जीआरपी पुलिस ने ब्लैकमेल करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोलायत में करवा चौथ पर एक ही घर में उठी 3 अर्थियां, पूरे कस्बे में छाई शोक की लहर। और खबरें विस्तार से। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर के पद से बर्खास्त करने के बाद खुद सौम्या गुजर और भाजपा पार्टी दोनों मौन पड़ गए हैं। 1 साल पहले सस्पेंशन के समय जिस तरह पार्टी ने अग्रेसिव होकर लड़ाई लड़ी थी, वो अब टर्मिनेशन के समय देखने को मिली। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस मुद्दे पर पार्टी को कोई खास राजनीतिक लाभ नहीं होता दिख रहा, जिसके चलते पार्टी ने अभी इस पर कोई सख्त रुख नहीं दिखाया है। पिछले साल 6 जून को जब सौम्या गुजर को मेयर पद से सस्पेंड किया था, तब पार्टी ने विरोध किया था। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने में भी सौम्या गुजर के साथ पार्टी रही थी, लेकिन ऐसा इस बार बिल्कुल देखने को नहीं मिला। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पार्टी का ये रुख इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि पार्टी को इस मुद्दे से कोई खास राजनीतिक फायदा नहीं मिल रहा है। सूरतगढ़ के ग्रामीण किसान मजदूर समिति व राष्ट्रीय किसान महासंघ द्वारा सूरतगढ़ एसडीएम को नरमे की अवैध कार्ड व डीएपी यूरिया की किल्लत और सूरतगढ़ तहसील के एरिया में अतिवृष्टि के कारण नरमा व मूंग गवार की फसल खराब हुई, उसकी स्पेशल गिरदावरी की जाए, किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और धान मंडी में नरमे की फसल काफी आ रही है, धान मंडी में उचित व्यवस्था की जाए, अवैध रूप से काटी जाने वाली काट को भी बंद किया जाए और व्यापारियों द्वारा डीएपी व यूरिया की किल्लत पैदा कर डीएपी यूरिया के साथ अन्य नए काम आने वाले और व्रत किया जाता उसको बंद किया जाए। और क्या आपकी मांगे थी? आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, एक तो नरमे की अवैध रूप से काट काटी जा रही है, जो किसानों की काट ना काटी जाए, और दूसरा डीएपी और यूरिया की भारी किल्लत बाजार में दर्शाई जा रही है, जबकि किल्लत है नहीं। जो दुकानदार है वो अपने चहेते को डीएपी यूरिया दे रहे हैं, सभी किसानों को डीएपी यूरिया वितरण नहीं कर रहे हैं, और जो वितरण कर रहे हैं उसके साथ वो सामान दे रहे हैं जिनकी किसान को अब फिलहाल जरूरत नहीं है। और तीसरी जो हमारी मांग थी, अतिवृष्टि के कारण जो हमारा मूंग नरमा गुवार नष्ट हुआ है, उसकी स्पेशल गिरदावरी करवा के उचित मुआवजा दिया जाए। सिरोही के बरदूर थाना पुलिस के एसआई नारायण लाल ने बताया कि कैलाश नगर में 6 वर्षीय बालक खेलते समय होद में गिरने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सिद्रत निवासी दाला लाल ने रिपोर्ट देकर बताया कि मेरा बेटा ननिहाल कैलाश नगर आया हुआ था, इस दौरान खेलते समय पास में बने पानी में भरे होद में गिरने के से जानकारी मिली है। आसपास के लोगों ने उसे कैलाश नगर के हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिरोही में राजीव गांधी सेवा केंद्र में नगरपालिका अध्यक्ष कनाराम भील की अध्यक्षता में साधारण सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान अधिशासी अधिकारी महेंद्र राजपुरोहित ने बताया कि पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता आयोजित साधारण सभा में जवाल नगरपालिका क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के लोकार्पण व नवीन कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के हाथों करवाने को लेकर चर्चा की गई। सूरतगढ़ में सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व सुहाग पर्व आज गुरुवार को मनाया जा रहा है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में धूमधाम व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। अल सुबह सुहागिनों ने स्नान आदि से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार किया, पंडितायन सर सुहाग पर्व की कथा सुनी, तत्पश्चात सूर्यदेव की अर्घ्य दिया गया। इससे पर्व सुहागिनों ने बाजार से सुहाग से संबंधित सामान की खरीदारी की, मिट्टी के करवे, चीनी के करवे, बिंदिया, चूड़ी आदि खरीदारी की और आज सांझ को चंद्रमा दर्शन के साथ व्रत का समापन होगा। जोधपुर में जीआरपी पुलिस द्वारा न्यूड वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
जीआरपी पुलिस के पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि जीआरपी थाना मेड़ता रोड में एक व्यक्ति के द्वारा ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने के मामले में जब अनुसंधान किया तो मामले का खुलासा हुआ, जिसमें न्यूड वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। मृतक ने करीब 4 लाख रुपए आरोपियों को बैंक के माध्यम से ट्रांजेक्शन किया। पुलिस ने अनुसंधान कर इस मामले का खुलासा किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बैंकिंग सिस्टम में कहीं कोई लूप होल है जिसकी वजह से ये फायदा उठाते हैं। इस अनुसंधान के दौरान हमारी टीम जब कामा इलाके में गई तो वहां उन्हें निर्जन क्षेत्र के अंदर एक एटीएम मिला, जिस एटीएम पे कोई बैंक का निशान नहीं था, कोई बैंक का साइन बोर्ड नहीं था, न कोई ऐसा था, लेकिन एक प्रॉपर वर्किंग एटीएम। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बैंकिंग के जो आउटसोर्स करते हैं उस कर्मचारियों की उनकी भूमिका संदिग्ध है, जो कि एटीएम सैंक्शन कहीं और के लिए होता है, उस एटीएम को वहां नहीं लगा करके निर्जन स्थान पर लगा देते हैं और वहां ही एटीएम जो है अपराधियों द्वारा पैसा विड्रॉ करने के काम में लिया जाता है, जिनकी वजह से हमने इन तीनों व्यक्तियों को दस्तयाब किया। ये एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसने जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कि ऐसा काफी और भी कार्रवाई जिन्होंने कर रखी जिनके बारे में। और बीकानेर के कोलायत से खबर है, जहां कल दोपहर में उद्रामसर और भिनासर के बीच टैक्सी और टैंकर की भिड़ंत से 3 जनों की मौके पर मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बुरी तरह चकनाचूर हो गया। गंगाशहर एरिया में नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो गई है। इस हादसे में देशनोक के एक ही परिवार के 3 सदस्य की कल मौत हो गई थी, जबकि टैक्सी ड्राइवर ने गुरुवार सुबह दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद देशनोक कस्बे में सन्नाटा पसरा हुआ है। देशनोक के भूरा परिवार के 3 जनों के इस हादसे में मौत हो गई। देशनोक के भाजपा नेता सुंदरलाल भूरा, उनकी पत्नी राजू देवी और बड़े भाई झमरलाल की मौत के बाद हर तरफ सन्नाटा है। इसका बड़ा कारण ये है कि सुंदरलाल खुद लोगों के सुख दुख में शामिल रहते थे। भूरा के घर में बुधवार को कोई पुरुष सदस्य नहीं था। देसुरी से खबर, जामकंड क्षेत्र की सादड़ी नगर पालिका के रण कपूर मार्ग पर राज्य की टॉप स्कूल में एक आदर्श विद्यालय सादड़ी एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल ग्रेड जूरी रैंकिंग अवार्ड 2022-23 में हाई हैप्पीनेस कोशेंट अवार्ड से नवाजा। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में आदर्श विद्यालय सादड़ी ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल ग्रेड जूरी रैंकिंग अवार्ड 2022-23 में हाई हैप्पीनेस कॉन्शेंट अवार्ड में भारत में 8वां स्थान प्राप्त किया और राजस्थान में 2रा स्थान व पाली जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये पुरस्कार 12 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में होटल लीला में एम्बियंस में प्रथम में से 10 तक रैंक प्राप्त करने वाले देश के सभी राज्यों के राज्य बोर्ड व केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड के प्राइवेट विद्यालयों को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रदान किया था। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।